गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आप लोगों का मॉन ब्रेसे के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को चैप्टर 6 में पढ़ा रही हूँ और कल इसमें मैंने आप लोगों को बताया राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि वो गांधी जी के संपर्क में जब आए तो उनके अंदर आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया और साथ ही बिहार में नमक सत्याग्रह का उन्होंने पूरा भार स्वयं संभाला, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें सजा भी दी गई। आज हम लोग इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आज आप लोग पेज नंबर 44 को ही ओपन कीजिए। आज हम लोग पेज नंबर 44 का लास्ट जो लाइन 2 बचा हुआ था वहाँ से आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। कल आप लोगों को मैंने बताया था नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में और जिसके वजह से उनको जेल की सजा हुई। आगे देखिए क्या है। वर्ष 1934 में उन्हें अपने भाई की मृत्यु से गहरा आघात यानी चोट या धक्का लगना, तो उनको अपने बड़े भाई की मृत्यु से गहरी चोट लगी, गहरा आघात हुआ। उनकी बड़े भाई साहब का नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे। 1939 से 1947 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ा रहा था, विदेशी शासकों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। स्वतंत्रता जो हमारे देश को मिलने वाली थी वो अपने शासन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि चारों ओर लोग इसका विरोध करने लगे थे और उस समय विदेशी शासक भी अपना अत्याचार बढ़ा चुके थे। और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची और वो क्या थी? वह थी जीरादेई में भड़के दंगे। जीरादेई उनका जन्मस्थल, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां जो है दंगा हो गया। यह विभाजन की विडंबना थी जिससे फसाद ने स्वयं ही जन्म ले लिया। तो आप लोगों को पता होगा कि देश आजाद तो हुआ, साथ ही साथ हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। तो उस समय इसी बात को लेकर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लग गए थे। जगह जगह दंगे फसाद होते थे। वही लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था, वहाँ दोनों समुदाय द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे, मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे, पर अब वह स्थान जल रहा था। पहले कभी जहाँ लोग मिलकर आपस में पर्व त्यौहार मनाते थे, अब वही स्थान पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वे बुरी तरह आहत हुए, इनसे उन्हें बहुत आघात लगा। उन्होंने वहां के समस्त लोगों से अपील की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें। अनंतर सारे प्रयत्न विफल रहे और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को समझाने की, पर वे इस प्रयास में असफल रहे और उनका अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ। स्वप्न का अर्थ सपना, वो खंडित हुआ यानी वो टूट गया। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश
आज़ाद हो गया और यह दिन हमारे लिए आज भी बहुत खास है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे आप लोगों को मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग चैप्टर 5 का बुक एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।